आज कांग्रेस अध्यक्ष ईडी के सामने पेश हुई, कानून मुताबिक करीब 2-2.5 घंटे वहां रही। उसके बाद ईडी ने कहा हमें और कुछ आपसे सवाल पूछने नहीं है, आप जा सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा नहीं, जो कुछ अब आपके पास सवाल हैं आप मुझे पूछिए, मैं यहां 8 बजे 9 बजे रात तक बैठने के लिए तैयार हूं, मैं कल भी आ सकती हूं, पर क्योंकि मुझे दवाई लेना है, मैं कोविड मरीज हूं, तो मुझे बता दीजिए पहले कि 1-2 दिन आप मुझसे सवाल करेंगे। ईडी ने कहा नहीं, आज आपकी जरूरत नहीं है, कल भी जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक निवेदन गया है कि अगर कुछ सवाल बाकी हैं तो सोमवार को पूछताछ करें, वो जाने के लिए तैयार है। मैं इस खबर का पूरा खंडन साफ भाषा में करना चाहता हूं कि ईडी सूत्रों के अनुसार जो कहा गया है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के गुजारिश से, कांग्रेस प्रेसिडेंट के निवेदन से आज की पूछताछ खत्म हुई क्योंकि वो कोविड मरीज थी, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है, झूठ है। आज का क्वेश्चनिंग खत्म हुआ क्योंकि ईडी के पास और कुछ सवाल बाकी नहीं रहे और कांग्रेस प्रेसिडेंट बिल्कुल, कांग्रेस अध्यक्षा बिल्कुल तैयार थी रात तक बैठने के लिए ताकि जो भी सवाल ईडी पूछे उसका सही जवाब, सही उत्तर होते।